यहाँ से तो पर्ची मिल गई है हमें, और भैया ने बोला आप वहाँ टहल लो जब तक। लाइन में यहाँ सामान होता है चेक, सब लाइन में लगे पड़े हैं यहाँ। अब पहुँच गए हैं नेपाल बॉर्डर, यहाँ से नेपाल। तो दोस्तों हमने तो अपना लंच कर लिया और हम चल पड़े हैं अभी टनकपुर के लिए। टनकपुर पार करके हमें जाना है बनबासा। बनबासा एक जगह है और पूरा जंगल का एरिया है रास्ते में, मतलब पूरा जंगल ही है ये। और हम जा रहे हैं आज नेपाल, बनबासा होते हुए टनकपुर होते हुए हम जाएंगे नेपाल। करीबन यहाँ से 46 किलोमीटर के अराउंड बॉर्डर रह गया है, और आज का स्टे हमारा रहेगा नेपाल में। क्योंकि जाना था हमें वैसे दिल्ली था वापस, दिल्ली से हमें मथुरा वृंदावन, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया। अब पास में था करीबन 180 किलोमीटर पास में था 180 किलोमीटर, तो हमने सोचा अब आए हैं इतनी दूर तो यहाँ भी चल पड़ते हैं, नहीं तो हमारा कोई प्लान था ही नहीं। अब नज़दीक लग रहा था 180 किलोमीटर, तो सोचा कि जा सकते हैं, इसलिए हमने भाई ट्राई करने का प्लान बना ही लिया। और अब हम रहते हैं करीबन 46 किलोमीटर बॉर्डर से, और कैसे क्या एंट्री होगी वहाँ पे, क्या क्या इन्जॉयमेंट करेंगे वो देखते हैं। क्योंकि जो हम पहुँचेंगे शायद राजेंद्र नगर करके कोई वो जगह है, या महेंद्र नगर, नॉट श्योर। फर्स्ट टाइम है हमारा तो, और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप विदाउट पासपोर्ट, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आधार कार्ड से ही एंट्री हो जाएगी। तो वहाँ पे कसिनोज वगैरह, भाई कसिनो में एंजॉय लेंगे, और पहली जो अपनी इंटरनेशनल ट्रिप है नेपाल की उसको फुल एंजॉय करेंगे। पहले चलते हैं बॉर्डर की तरफ और देखते हैं कैसे क्या एंट्री होगी, क्या क्या की फीस लगी हमारी, वो सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल पास पहुँच गया भाई, करीबन 2 से 3 किलोमीटर है। हमें बनबसा में ट्रेन से आना होगा, ट्रेन से भी आ सकते हैं आप, डायरेक्ट ट्रेन आती है यहाँ पे। शायद सामने बॉर्डर है, मैं भी वहीं से शायद एंट्री होगा, बाकी लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे बसेस वगैरह स्टे हो रखी है, बाकी आगे जाके देखते हैं जहाँ से पता लगेगा आपको बताएंगे। फाइनली पहुँच गए भाई हम बॉर्डर पे, यहाँ से कैसे क्या प्रोसेस है। करीबन 5:15 बजे हमें मिलेगी यहाँ से स्लिप, और ये शारदा बैराज है वो पार करना पड़ेगा। 6 बजे खुलेगा वो, 6 से शायद 8 तक, और वो पार करना है हमें, हम पहुँच जाएंगे डायरेक्ट नेपाल में। देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रोसीजर है, पूछता हूँ भैया से और आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पूरे डिटेल यहाँ से बैराज के लिए टिकट मिलेगी 40 रुपये की, और आगे फिर चेक पोस्ट आएगी, वहाँ से इमिग्रेशन मिलेगा हमें, उसके क्या चार्जेज होंगे वो वही जाके पता लगेगा। और ये पूरा मैप है यहाँ पे किस तरीके से जाना है, ये शारदा बैराज है, ये पार करके फिर नेपाल का रास्ता है आगे, इमिग्रेशन कस्टम, ये देखो यहाँ ये सब डिटेल है, ये पार करना हमें बैराज पार करके इमिग्रेशन कस्टम, और ये वसूली चौकी, राजस्व वसूली चौकी। ये नेपाल की गाड़ियाँ जा रही है भाई, यहाँ सब शॉपिंग कर करके नेपाल जा रही है, ये भी नेपाल की है। नज़दीक है बॉर्डर, 5:15 बजे हम भी निकलेंगे नेपाल के लिए। यहाँ से तो पर्ची मिल गई है हमें, और भैया ने बोला आप वहाँ टहल लो जब तक बैराज पे, वहाँ एंजॉय करो, और फिर 6 बजे निकल लेना वहाँ से। हम निकल लिए हैं अब आगे की तरफ, और पहुँचते हैं बैराज पे। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप हम सब की ये, तो भाई फिर दुबई जाएंगे शायद। और सामने देखो बैराज आ गया इतनी जल्दी, अरे यार ये देखो सामने इतना जबरदस्त व्यू, क्या नाम है, शानदार। ये शारदा बैराज है, और साइड में तो यहाँ कुछ मेरे को लग रहा है शॉपिंग का कुछ है सीन शायद। ये सब नेपाल वाले आते हैं यहाँ से शॉपिंग करके, वहाँ महंगे भाव में बेचते हैं। ये साइड में शॉप्स भी हैं बहुत सारी, यहाँ से आप कुछ शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आगे शायद गाड़ी हमें उस पुल पे रोकनी पड़ेगी, और वहाँ से हमारी कस्टम के थ्रू एंट्री होगी।
सामने है ये शायद इंडियन इमिग्रेशन और इस साइड है नेपाल। ये बॉर्डर है, ये नेपाल वाला है, यहाँ से हमें एंट्री करनी है। और ये बैराज, फिर यहाँ से हमें शायद आगे जाना है, अब किस साइड जाना है ढोकना, बट उस साइड ये नेपाल है, नेपाल टेलीकॉम। और यहाँ ये चेक डैम है ना, आपको आगे चल के दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी नेपाल में भी जा रहा है शायद। ये अपना चेक डैम है और साइड शायद होता है, एक बार आप आपको चल के दिखाते हैं आगे। यहाँ से ये देखो वो बैराज, ये उनका बैराज, शायद ये पानी उस साइड जाता है और ये बैराज से पानी अपने साइड आता है। लोग पार कर रहे हैं अभी वो बॉर्डर, लोकल जो यहाँ से रूटीन में आते जाते हैं। हम कर रहे हैं वेट, 6 बजे का टाइम अभी 5:20 हुआ है, तो 6 बजे तक अपना नंबर आएगा, देखते हैं प्रोसेस पूरी और आपसे भी शेयर करते हैं। यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं, अब पता लगा शायद भाई ये शादी वादी करके जा रहे हैं, यहाँ सब फुल ऐसे तैयार शैयार हो गए हुए, देखो सब बुरा हाल है। और ये लोग जा रहे हैं भाई दूसरी तरफ, मतलब नेपाल की तरफ, बुरे मतलब मेरे को तो अभी आइडिया आया कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब तैयार वैयार होके जा रहे हैं मस्ती से। ये देखो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं और ये जा रहे हैं इस साइड, बारात आ रही है, बारात जा रही है। और गज लग रहा है नेपाल का बॉर्डर शायद उस साइड है, वहाँ पे एंड पे यहाँ से अपना इमिग्रेशन होगा और वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। और ये सब बाराती भाई जा रहे हैं नेपाल, नेपाल से शादी करने जा रहे हैं, और वो नेपाल का बॉर्डर हो सकता है शायद, मतलब हमें जैसा लग रहा है, बाकी किसी से पूछा नहीं, एज्यूम कर रहे हैं शायद वो ही होना चाहिए, ये सब इंडिया का होगा शायद इस साइड। ट्रैफिक देखो कितनी हो गई गाइस, पीछे तक भीड़ हो गया गाड़ियों की एंट्री के लिए। हम चल पड़े हैं बॉर्डर को पार करने के लिए, सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई, सब गाड़ियां जा रही हैं, आपको दिखाते हैं सामने सब बॉर्डर पार करके, अब आगे कैसे क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। पहले चलते हैं यहाँ से गेट, ये देखो कितनी सारी गाड़ियां भाई हमसे आगे, दिखाते हैं आपको और यहाँ से कैसे प्रोसेस है, वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं है, डोंट नो। मोड़ पे भाई पर्ची दे दी हमने, जो पर्ची हमारी स्लिप कटी थी 40 रुपीज की वो दे दी, और ये बैराज वो कर रहे हैं हम, और ये जो नेपाल वाली तरफ जो ये पानी है ये शायद यहाँ पे रोक रखा है, इस साइड पानी नहीं जाने देते, पानी ये हमारी तरफ ही रहता है। और ये पूरा बैराज पार करके हमें पहुँचना है नेपाल, आगे कस्टम वाले होंगे कैसे क्या होगा अब वहीं जाके पता लगेगा सब। इंडियन फ्लैग और सारी गाड़ियाँ यहीं रुक रही हैं, शायद यहीं से आगे प्रोसेस होगी, कैसे वी डोंट नो, देखते हैं और फिर करते हैं बॉर्डर पार। डीएम से भाई चेक
सेवा महेंद्र नगर से आनंद विहार दिल्ली, ये दिल्ली तक ये सेवा चलती है और हमें पहुंचना है महेंद्र नगर। आपको डायरेक्ट अगर बाई बस आना है तो बस से भी आ सकते हैं। देखो यहाँ भी नेपाल भारत मैत्री बस, और शायद आगे चेक पोस्ट है, वहाँ से हमें जो पास वगैरह है गाड़ी के लिए सब पास वगैरह मिलेगा। यहाँ पे सब गाड़ियों की एंट्री होती है, अंदर आने के बाद सब डीएल नंबर वगैरह पूछा जाता है, सारी डिटेल, उसके बाद आगे बढ़ना। लाइन में यहाँ सामान होता है चेक, सब लाइन में लगे पड़े हैं। यहाँ बंदरों का अटैक, ओ भाई बंदर अटैक करने जा रहा था उस लड़के के ऊपर, बड़े खतरनाक है भाई यहाँ था। हम भाई वेट कर रहे हैं दोनों का, आशीष और महेश का, क्योंकि वो सब सामान वगैरह चेक करवाने गए हैं, तो हम तो आराम से दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं। बच गया ये चारों बैग, उसको ही दे दिए थे और ये छोटा बैग तो ऐसे ही आ गया हमारे साथ। कौन इतना पैदल चला वो लाइन में वेट करेंगे करीबन, वहाँ तो लग जाएगा करीबन 15-20 मिनट तो कम से कम, बाकी देखते हैं जल्दी हो गया तो जल्दी। जितने वहाँ बैठे बैठे जंपशन कर रहे थे सारे फेल हो गए यहाँ के, तो अभी तो इंडियन बॉर्डर ही क्लियर हुआ है, अभी नेपाल बॉर्डर जाके वहाँ से पास वास कटवा के तब आगे जाना पड़ेगा। हमें लग रहा बच जाएंगे 7-8 तो बज ही जाएंगे पहुँचने में, फिर रूम वगैरह भी ढूंढने हैं, देखते हैं कहाँ रूम मिलेगा कहाँ नहीं। ये उत्तर प्रदेश परिवहन, इन्होंने भी मैत्री सेवा चला रखी है नेपाल से यूपी तक की। सामने बॉर्डर नेपाल और फटाफट करते हैं ये बॉर्डर पार। अब पहुंच गए हैं नेपाल बॉर्डर, यहाँ से नेपाल की एंट्री कहाँ से जाना है, सारा टूटा हुआ रास्ता, ये देखो सामने बॉर्डर। अरे भैया कहाँ घुस गए धूल में, फाइनली हम एंटर हो गए नेपाल में। किसी ने भाई कोई पास वास कुछ पूछा ही नहीं, हम भी निकल लिए ऐसे ही, आगे देखते हैं क्या कुछ होगा या नहीं, कि कोई पास वास की कुछ डिमांड नहीं रही थी। लेकिन भाई नेपाल में आने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव में आ गए हम, अपने गांव भी अच्छे हो गए, अब तो हमारे सब गांव में रोड बन चुके हैं, ऐसे टूटे हुए रोड है यार, क्या हो रहा है ये दोनों क्या तो तबक पास। यहाँ पे है ये पुझेला नदी पुल, पुझेला नदी पुल भाई, है ऐसा ही है सेम है यार, सब व्हीकल्स हमारे वाले ही है मोस्टली यहाँ पे। और यहाँ की भैंस, ये देखो नेपाल की भैंस, ये नेपाल की भैंस। रोड ये ठीक आ गए, रोड पहले वाले तो ज्यादा खराब थे, ये अच्छे हैं, ये सही है फिर भी। ये देखो खेत, और साइड में आगे की तरफ देखो ये पूरा पहाड़ों का भी, और ये यहाँ पे स्कूल है देखो, ओम लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज लगी भाई, ये देखो कितना अच्छा है, कंचनपुर में ये स्कूल है, बहुत जबरदस्त। नेपाल की गाय, हम पहुंच गए होटल, ऑनलाइन सर्च किया था भाई हमने ये होटल, पूछते हैं यहाँ क्या रेंट है क्या नहीं, फटाफट चलते हैं भाई पूछते हैं क्या भाव है यहाँ क्या नहीं, यहाँ तो पसंद नहीं आया, आप चलते हैं दूसरे पे। फाइनली पहुँच गए होटल में यार, ये वाला होटल हमने बुक किया है, होटल ओपेरा है, और रूम भी फाइनल कर लिया, आपको अंदर जाके रूम भी दिखाएंगे, और सामने वही वहाँ मसाज पार्लर था, हम तो भाग के आ गए वहाँ से, यही सही लगा मेरे को। हाँ तो आप ये पूरे होटल, और भैया लेके आ गए सब सामान, और यहाँ चल रहा है मैच, जीते हैं जीते हैं भाई नेपाल में पीते हैं भाई भैया वाईफाई का पास होते यहाँ पे है भाई रूम, ओ भैया ले जा रहे हैं सामान, कितना 170 117
ओके अय्यासी करते ये बच्चे गौर से देखिए इन दरिंदों का। और ये हमारा रूम ये हाँ ये टीवी वगैरह फुल फैसिलिटीज है यार यहाँ देखो। और ये देखो यहाँ कबर्ड अलग से कबर्ड भी दिया इन्होंने काफी अच्छा लगा हमें। और प्राइस यार बिल्कुल मिनिमम प्राइस 2200 रुपये में यार इंडियन करेंसी में AC लाइट वाइट सब फर्स्ट क्लास है सारी। ये डबल बेड एक ये सिंगल बेड और एक ये गद्दा नीचे। ये वॉशरूम है यहाँ सही है साफ है टॉवल है यहाँ पे ये सीट है और इन्होंने डेंटल किट भी हमें दी है इसमें क्या देखते हैं टूथपेस्ट एक ब्रश और शैम्पू दिया है शावर जेल दिया है और सोप दिया ये सब चीज़ें सोप वगैरह ये सब इन्होंने ही दिया बढ़िया लगा हमें तो भाई। अब जा रहे हैं हम डिनर के लिए रेस्टोरेंट में देखते हैं वहाँ क्या क्या डिशेज है भाई खाने के लिए क्या क्या होगा और उसके बाद जाना है कसिनो थोड़ा इन्जॉय करेंगे देखने जाएंगे खेलना वेलना तो किसको है बट ऐसे एक बार देखने जरूर जाएंगे। ये मेन कोर्स हमारा वेजिटेरियन में तो ये सब चीज़ें हैं नॉन वेज हम खाने वाले हैं नहीं। और या ये रोटी का प्राइस है सही है यार नॉर्मल प्राइस है अच्छा है बाकी नॉन वेज भी है किसी को नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज भी खा सकता है इटालियन फिटालियन सब मिलता है इंजॉय टू इंजॉय। ये वेज थाली पापड़ सैलेड चटनी पालक मिक्स वेज दाल दही राइस और चपाती दो चपाती है इसमें दाल मखनी। ये मंगवाई है रोटी और दाल मखनी। अब चलते हैं भाई कसिनो में एंजॉय कर लिए खाना पीना हो गया सब का सामने है कसिनो करते हैं फटाफट एंट्री यहाँ छोटा पीरियड नहीं है। क्लब से आ गए हैं भाई हम तो रूम पे क्योंकि खेलने को कुछ ऐसा मिला नहीं जो रज जगह आता था तीन पत्ती वो वहाँ पे था नहीं हम आ गए भाई वापस अभी करते हैं हम सोने की तैयारी करीबन 10:30-11 का टाइम हो चुका है नींद भी आ रही है थक गए कल तो आराम से उठे भाई एकदम बहुत नींद आ रही है। इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं करते हैं कल मिलते हैं नई वीडियो में जब तक के लिए जय श्री राम हर हर महादेव।